हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे रिगार्डिंग मास्टर कैडर केमिस्ट्री बैच जिहड़ा कि अपना स्टार्ट हो चुका है। तो इस दे अंदर की फीचर्स होंगे उसका सुन मैं एक बार आइडिया दे देना। सब तो पहले तुसी करना की है, गूगल प्ले स्टोर तो जाके केमिस्ट्री ए टू जेड ऐप नू इंस्टॉल कर लेना है। उस तो बाद उसके फीचर्स देखने है। चलो मैं तुम्हें दस दाँगा, जो तुम ऐप खोलोगे तो तुम उस 3600 रुपीज़ का कोर्स दिखेगा। उसनों बाय नहीं करना, सिंपली पहले उसके कंटेंट्स देख लो, फिर आप डिस्कशन कर दिया। जो आप कंटेंट सैक्शन जावे सब तो पहले आपको मिलेगा बैच इनफॉर्मेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे फ्री ने, जिस भी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर चाहिए ने वो सब डाउनलोड कर सकते होंगे। उस तो बाद देखो जो अपने को सैकेंड फोल्डर है उस क्या होगा, मास्टर कैडर जिन्हें भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ने गए सब के वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करते गए ने। तो वीडियो सोल्यूशन के नाल उन सारे पेपर को टेस्ट की फॉर्म अपलोड किया गया। जिस तरह से मैं कोई भी पेपर खोल के दिखावा, जी मास्टर कैडर 2016 का पेपर है, तो इस जिन्हें भी वीडियो सोल्यूशन ने प्रीवियस ईयर डिटेल से वीडियो सोल्यूशन करवा दिए गए हैं। उस तो बाद इसको आप टेस्ट की फॉर्म से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट की फॉर्म से किस तरह, जिस तरह इसमें ओपन करके दिखाना गा, इस तरह सेम पोर्टल सू ओपन हो जाएगा। देखो जिस तरह ही टेस्ट है, हूँ जिन्ना पेपर ने अपने प्रैक्टिस होने की चाहिए है कि आप पेपर को दोबारा टेस्ट की फॉर्म से अटैम्प्ट कर लिए, तो और अपना टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 50 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी अपनी। उस तो बाद देखो जिस तरह आप कोई भी क्वेश्चन तो मूव करना, सैकंड क्वेश्चन देखना है, थर्ड क्वेश्चन देखना है, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखना है, तो कोई भी क्वेश्चन सारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर जिन्हें भी मास्टर कैडर ने उन्होंने टेस्ट की फॉर्म से अपलोड करता। टेस्ट की फॉर्म से अपलोड करने का की मतलब है, तो एक तो प्रैक्टिस हो जाने क्वेश्चन की टाइम बाउंड नाल कि 50 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करा तो कॉन्सैप्ट भी क्लीयर हो जाने ने, ठीक है ना। सब स्टूडेंट्स ने प्रोपर सॉल्व करने ने क्वेश्चन। उस तो बाद देखो कोई भी क्वेश्चन तो आप मूव कर सकते हैं। टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन जोड़े भी सके केमिस्ट्री पोर्शन के, वो मैं सारे अपलोड करते हैं। उस तो बाद देखो उस तो बाद सारे टेस्ट वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल डिटेल से करवाए गए ने। कोई भी पेपर आप खोल सकते हैं, जिस तरह 2022 का ही पेपर मैं दोबारा अटैम्प्ट करने का, तो मैं 2022 का पेपर खोलूँगा। अरे ये देखो सारे 2022 के क्वेश्चन उसे अपलोड ने, तो तुम सारे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते होंगे। तो 250 क्वेश्चन तो अपने डायरैक्टली प्रैक्टिस हो जाने इस बैच के अंदर। यह पहला फीचर सगा। इस तो अलावा बहुत सारे फीचरस ने, आप वन बाय वन सारे डिस्कस करा। उस तो अलावा कई स्टूडेंट्स होंगे है कि अपने वीडियो सोल्यूशन देख लिया, वीडियो सोल्यूशन दे अपने नोट करने की बजाय अपन PDF मिल जाए, तो डायरैक्टली सूँ PDF मिल जाएगी डाउनलोड फॉर्म के अंदर। तो इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, डायरैक्टली डाउनलोड हो रही है। जिस तरह देखो जिन्हें पेपर ने गए इन सारे की PDF सूँ मिल जानी है, तो कोई भी PDF है सारे डिटेल वीडियो सोल्यूशन जो कुछ एज इट इज़ मैंने सोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया वो सूँ PDF की फॉर्म च मिल जाएगा। आई होप सूँ पहला फीचर्स क्लीयर होया होना, जिस नाल अपने बहुत सारे क्वेश्चन मास्टर कैडर के प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि सारे के की ने अपने को वीडियो सोल्यूशन ने। और की एक्स्ट्रा फीचर है, जिन्हें भी लैक्चर कैडर के ने, हूँ एग्जाम एडवांस हो रहा मास्टर कैडर का, तो जिन्हें भी लैक्चर कैडर के एग्जाम्स ने उन्होंने भी सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारे फीचर्स ने पहला, तो कोई भी टेस्ट देख सकते हो, जिस तरह 2017 देखना है, 2017 75 क्वेश्चन आए थे, तो 75 क्वेश्चन उसे अपलोडेड ने, देख सकते हो। रे टोटल 75 क्वेश्चन अपलोड ने, ठीक है। इस नाल तुहाडी बहुत ही वधिया लैवल की प्रैपरेशन हो जानी है, ठीक है। बिल्कुल टाइप फॉर्म से किने टेस्ट अपलोड ने, जिस नाल अपनी एक वधिया प्रैक्टिस हो जानी है, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन के नाल सारे होने, ठीक है। तीन पार्ट्स मैं करवाएगा, तीन पार्ट्स वीडियो सोल्यूशन करवाने का मतलब की है कि मैं सिर्फ आंसर नहीं टिक किए, मैंने हर एक कॉन्सैप्ट दस्सेगा किस तो कॉन्सैप्ट है की इस कॉन्सैप्ट लगना सी अपना। उस तो बाद देखो चलो ये अपने प्रीवियस ईयर की गल होगी। उस तो बाद जिस तरह हम अपना बैच है उस अपने को जिन्ना भी पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री इनऑरगैनिक केमिस्ट्री तो ऑरगैनिक केमिस्ट्री का सारा डिटेल से करवाया जाएगा। जिस तरह मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खोल दाँगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन की होगा, जिम्मे सब तो पहले जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। उस देखो 8 लैक्चर्स ने अपने को, ठीक है। बिल्कुल 8 डिटेल के अंदर मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है। एक एक टॉपिक कवर करने तो बाद जेडे भी नोट्स ने, जिस तरह हूँ मैं जो कुछ पढ़ाएगा उन्होंने मैं स्लाइड की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देना। जिस तरह मैंने लैक्चर 2 पढ़ाएगा, मैं लैक्चर 2 पर क्लिक करूँगा, तो ये सारे जो नोट्स ने मेरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो कुछ मैंने स्लाइड से पढ़ाया समझाया उस नोट्स की फॉर्म से प्रोपर मिल जाएगा। हूँ जो स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम घट हों वो नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो डायरैक्टली स्लाइड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, बट बेस्ट उही होंगे कि नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। उस तो बाद देखो उस हैंड रिटन नोट्स जो स्टूडेंट्स ने बनाते थे मैं हैंड रिटन फॉर्म से अपलोड कर देना। उस तो असाइनमेंट मिल जाएगी सूँ, ठीक है। जिस तरह जी भी हर एक टॉपिक दिन असाइनमेंट्स मिल जाएंगे सूँ,
ठीक है, जिस हर टाइप के क्वेश्चन बेसिक तो लैके ग्रैजुएशन तक अपलोडेड ने। उस तो बाद देखो, चलो ये सेम पैटर्न सारे चैप्टर का फॉलो होना है, आप किसी भी चैप्टर को खोल के देख सकते हैं। जिस तरह सॉलिड स्टेट हैगा, ठीक है, इस दिन 10 लैक्चर ने गए तो हर एक लैक्चर अपलोड किया गया, जिस तरह हम मिलर इंडिस ब्रैग्स लॉ, ठीक है, सारे दे सारे टॉपिक्स में डिटेल से करवाया गया जो भी ग्रैजुएशन बेस्ड ने। उस तो बाद देखो कोई भी टॉपिक खोल सकते होंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक थर्मोडायनमिक्स देख सकते होंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में डिटेल से करवाया गया। उस तो बाद वापिस होने आगे हूँ, जिस तरह स्पैक्ट्रोस्कोपी है इसमें दोबारा भी करवाएंगे, प्रीवियस बैच दी आएगी बट सारी स्पैक्ट्रोस्कोपी दोबारा भी आएगी नवे बैच के अंदर, वो कोई इशू नहीं हैगा, ठीक है। इस भी सारे टाइप के स्पैक्ट्रोस्कोपी इसमें कवर किया गया है। मास्टर कैडर के अंदर 8 क्वेश्चन आए थी, 5 एज इट इज़ ए वीडियोज से, ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है, तो जाके मैच कर सकते हो कि एग्जाम तो पहले अपलोड किए गए सी, तो 5 क्वेश्चन 8 तो 5 क्वेश्चन एज इट इज़, ठीक है, इन्हें वीडियोज के अंदर ही पूछे गए हैं। उस तो बाद देखो जो मेन फीचर है इस कोर्स का टेस्ट सीरीज, ठीक है, हम टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट मिलेंगे सूँ 50+ टेस्ट मिलेंगे, 50+ टेस्ट का मतलब की है इनफ प्रैक्टिस। हम जिस तरह कोई भी टेस्ट खोल देंगे कि हर एक चैप्टर का टेस्ट हैगा, तो नाल दी नाल उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड हैगा। जिस तरह मैं टेस्ट खोलिया सॉलिड स्टेट का, ये ओल्ड वाले ने बट ओल्ड वाले टेस्ट बहुत वधिया सीगे, बिकॉज 22 क्वेश्चन एज इट इज़ टेस्ट सीरीज तो ही आए गए थे लास्ट बैच के, जो स्टूडेंट्स ने की सी उन्होंने पता है, ठीक है। देखो हर एक टेस्ट अपने को अपलोडेड हैगा, तो हर एक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड ने गए, जिस तरह मेरिटोरियस लैक्चर का क्वेश्चन ऐड हैगा, तो जिन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने वो भी ऐड करते गए हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक के 2 टेस्ट ने गए, ठीक है, ये ओल्ड वर्ल्ड टेस्ट हो गए नाल दी नाल सब दे वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, ये भी बहुत वधिया टेस्ट थे। हम जो 2023 की प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने भी टेस्ट ने गए, देखो जिस तरह हम पहले सम बेसिक कॉन्सैप्ट टेस्ट होगा, इस भी सेम प्रोसीजर चलेगा, सब तो पहले टेस्ट होएगा स्टूडेंट्स को, फिर नाल दी नाल वीडियो सोल्यूशन। हूँ जो मैं नवे 2023 के टेस्ट बना रहेगा इस तो थोड़े जे हार्ड लैवल कर रहे हैं, थोड़े जे ग्रैजुएशन के कॉन्सैप्ट आप ज़्यादा कवर अप करके चल रहे हैं। तो हूँ देखो फायदा की हैगा, हूँ थोड़ी प्रोपर एनालिसिस होंगी इस बैच के अंदर। हूँ जिस तरह टेस्ट देता मैं रिव्यू स्टैट्स क्लिक करता, हूँ जो भी स्टूडेंट्स ने 18 स्टूडेंट्स नहीं पेपर टेस्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं दे रहे, ठीक है, टेस्ट बिकॉज थोड़ी प्रैपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह ये टोटल इस टेस्ट है अपने को 33 क्वेश्चन सके, हम जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स उन्होंने प्रोपर एक रैंक च आ गए, ठीक है ना, ठीक है, प्रोपर रैंक च आ गए, स्टूडेंट्स को पता चल जाता किहड़ा क्वेश्चन कितने गलत है, तो हर एक क्वेश्चन तो उन्होंने कितना टाइम लिया, ठीक है, कितने टाइम जो उन्होंने टेस्ट दिया। जिस तरह फर्स्ट स्टूडेंट ने 30 मिनट्स ले पूरे, ठीक है, सैकेंड स्टूडेंट ने 40 मिनट्स ले, ठीक है, हर एक का प्रोपर टाइम मिल जाता उन्होंने, तो उन्होंने पता चल जाता कितने उन्होंने एरर्स ने, ठीक है, प्रोपर एनालिसिस होंगे हर एक टेस्ट का। कोई भी टेस्ट खोल के दिखा दो, जिस तरह मैं सॉलिड स्टेट का टेस्ट खोल के दिखा देना, उसे भी थोड़े को हर एक स्टूडेंट का प्रॉपर एनालिसिस आएगा। जिस तरह फर्स्ट स्टूडेंट के 35 to 33 मार्क्स हैं, फिर 32 इस तरह हर एक टेस्ट का थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस होएगा, तो कि क्वेश्चन गलत ने गए। हूँ देखो अपने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, सारे वीडियो सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, जितने अपनी गलती से अपन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं वीडियो में प्ले करा, जो क्वेश्चन नंबर 5 होएगा उसी आप कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उस तो बाद देखा जाए असाइनमेंट्स ने, लाइव क्वेश्चन डिस्कशन होंगी, थोड़ा टाइमली स्टॉप कर रखे लाइव क्वेश्चन डिस्कशन की सीगा, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को करन दई टाइम बाउंड, ठीक है, स्टूडेंट अटैम्प्ट करते थे जिहड़ा को उन्होंने डाउट होंदा सी नाल दी नाल सॉल्व हो जाता सी, बट थोड़े टाइमली लाइव क्लासेस बंद कर रखे ने बिकॉज एग्जाम की हले कोई डेट अनाउंस नहीं हुई हैगी, बट जी वीडियोज डेली अपलोड होंगे ने इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म का की फायदा होंगे गा। हूँ कुछ स्टूडेंट्स ना लाइव क्लासेस बैटर होंगे ने, मैंने कोई गल दसो, जिस तरह आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरप्ट कर देते हैं, तो वो जो लाइव पढ़ रहे उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो उही लैक्चर बाद च रिकॉर्डेड फॉर्म पढ़ते हैं उन्होंने डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए सारे लैक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ही अपलोड कर दा मैं। रिकॉर्डेड फॉर्म का मतलब की है, मैं सोलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेना गा वो अपलोड कर देना गा, उस नाल की बेनीफिट होंगे टाइम बिल्कुल सेव होता, बिल्कुल आप टू द पॉइंट ही गल होंगी हैगी कि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ कॉन्टेंट पर ही वर्क किया जाता है। जिस तरह मैंने 7 लैक्चर सोल्यूशन एंड क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया तो बिल्कुल कॉन्टेंट है इस, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है किसी तरह की, जिम्मे 31 मिनट की वीडियो है या 46 मिनट की वीडियो है या 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो है, तो इस प्रोपर सू पढ़ाया ही गया है, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, सिर्फ अपने नॉलेज जो कॉन्टेंट है कैमिस्ट्री का, ठीक है। ये सारे फीचर्स ने इस कोर्स के, ठीक है, हर एक चैप्टर लिए सेम होएगा, ठीक है ना। हम हर एक चैप्टर इंडिविजुअली या हर एक टेस्ट में इंडिविजुअली खोल के नहीं दिखा सकता है, ठीक है, जे किसी ने देखना है तो ऐप के अंदर जाके देख सकते हो डेमो वीडियोस वगैरह। जिस तरह मेरा वे ऑफ टीचिंग है, जो सूँ पसंद होता है तो ही कोर्स में ज्वाइन करियो, बट एक प्रॉपर ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है, मास्टर कैडर केमिस्ट्री लिए
बाकी सब्जेक्ट ऐसे टीच नहीं करते, सिर्फ कैमिस्ट्री टीच करते हैं, तो उस लिए एक वैल ओरिएंटड कोर्स हैगा जिहड़ा कि बिल्कुल मास्टर कैडर दे ओरिएंटड हैगा। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मास्टर कैडर के भी कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो तुम अटैम्प्ट करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मास्टर कैडर से आ चुके हैं। जितने डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स में वो की करेंगे, वीडियो प्ले करके उनका सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है ना, जिस नाल अपनी प्रोपर वे च प्रैपरेशन हो जानी है। हुण कोर्स में ज्वाइन किस तरह करना है, सब तो पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप का नाम है केमिस्ट्री ए टू जैड। ठीक है, केमिस्ट्री ए टू जैड प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते होंगे। तो जिहड़े आईफोन यूजर्स ने गे, आईफोन यूजर्स ने क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर देना FDWUY, उन्हों की भी सेम ऐप चल पेगी। ठीक है, कोर्स की ओरिजिनल फीस हैगी 7000 के अराउंड, बट ऑफर प्राइस, ठीक है, ऑफर प्राइस कदों तक वैलिड हैगा, ऑफर प्राइस वैलिड अपना 13th अप्रैल तक। ठीक है, 13th अप्रैल तक इस कोर्स की जी फीस हैगी सिर्फ 3600 रुपीज़ मिल जाएगी। तो इस कोर्स की बेनीफिट की हैगा, वैलिडिटी कि इसकी 1 ईयर। सपोज करो 1 ईयर के अंदर एग्जाम नहीं होता, वैसे तो मोस्टली चांस ने कि कई साल के अंदर एग्जाम आराम ना हो जाना है मास्टर कैडर का। बाय चांस एग्जाम नहीं होंदा तो तुहाडी वैलिडिटी एक्सटेंड करती जाएगी सिर्फ 266 रुपीज़। ये 266 रुपीज़ से तुहाडी एग्जाम तक वैलिडिटी एक्सटेंड करती जाएगी। 1 ईयर तो वैलिडिटी हैगी है, जे 1 ईयर तो बाद भी पेपर नहीं होंदा तो सिर्फ 266 रुपीज़ से तुहाडी वैलिडिटी एक्सटेंड करता जाएगा। देखो कितना बेनीफिट हैगा। ठीक, 266 सिर्फ ऐप चार्ज होंदा, उस मेरा 1 रुपया नहीं लेना मैंने। ठीक है, सिर्फ ऐप चार्ज होंगे क्योंकि 1 साल ही मैंने ऑलरेडी ऐप का पे कर चुका है। हूँ उस तो बाद जो स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे, क्योंकि पर स्टूडेंट मैंने 600-700 रुपया पे करना पैंता है ऐप का, उस तो बाद जोड़े भी स्टूडेंट पे कर बैच में एक्सटेंड करवा चाहूँगे वो सिर्फ 266 रुपीज करके 1 साल तो बाद भी अपने बैच में एक्सटेंड करवा सकते हैं जो मास्टर कैडर नहीं होंगे। आई होप सू क्लीयर होना है। उस तो इलावा, ठीक है, अबाउट माई सेल्फ बरजेश सिंगला, आई हैव डन माई MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर। तो केमिस्ट्री फील्ड के जिन्हें भी एग्जाम्स ने सारे मैंने टॉप रैंक्स ना कढ़े ने। CSIR नैट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 सीगा। तो तुम इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हो, डेमो वीडियोज़ देख सकते हो, उस तो बाद ही ज्वाइन करना कोर्स में। ठीक है, कोर्स की फीस बिल्कुल अफोर्डेबल हैगी 13th अप्रैल तक। 13th अप्रैल तो पहले तुम ज्वाइन कर लोगे तो एक वैल ओरिएंटड कोर्स सिर्फ 3600 रुपीज़। ठीक है, हूँ 3600 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल फीस हैगी जी, आप कही बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन से। बाकी इंस्टीट्यूट की फीस 12,000 तो स्टार्ट होती है, बट एक वैल ओरिएंटड कोर्स जिन्ना ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं शायद ही कोई 12,000 के कोर्स भी इन्ने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता हो, कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टेस्ट की फॉर्म च, हर एक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन, ये सारे फीचर्स ने इस कोर्स के। आई होप सू वीडियो क्लीयर होना। जे किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग मास्टर कैडर प्रैपरेशन तो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @8437068169। आई होप सू वीडियो क्लीयर होगा। तो जे किसी ने टॉपिक वाइज एनालिसिस देखना है तो वह भी मैं अपलोड कर रहा बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सबसक्राइब कर लो, बिकॉज मैं काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पर भी फ्रीली अपलोड करता रहना। आई होप सू वीडियो क्लीयर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।